शारदीय नवरात्रि के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नवरात्रि के पावन पर्व पर मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान के भाव को व्यवहारिक जीवन में भी उतारने की आवश्यकता है। हम सभी बहन बेटियों के प्रति पवित्रता और देवी स्वरूपा का यह भाव रखें तो समाज में उनके खिलाफ यदा कदा होने वाली घटनाओं को भी नियंत्रण पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति हर एक क्षेत्र में नेतृत्व दे सकती हैं और समाज का मार्गदर्शन कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि जगत की हर शक्ति का आधार आदि शक्ति मातृशक्ति है। इसी भावना के साथ नवरात्रि के 9 दिन के अनुष्ठान के पूर्ण होने पर कन्या पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। उन्होंने कहा, नवरात्रि की सनातन परंपरा में हर भारतीय मातृशक्ति के प्रति अपने भाव को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं, बहन बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वावलंबन के अभियान को मिलकर आगे बढ़ाना होगा तथा केंद्र व राज्य सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान प्रारंभ किया है, उससे बेटियों का बचाव भी होगा और शिक्षा का मार्ग भी प्रशस्त होगा। और एक बेटी जब बचेगी और पढ़ेगी तो वह समाज में सम्मान और स्वावलंबन के मार्ग का अनुसरण स्वयं कर लेगी। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति और महिला सुरक्षा के कार्यक्रम भी इसी अभियान को नई दिशा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए प्रदेश सरकार ने भी कई कार्यक्रम चलाए हैं। इन्हीं में से एक कन्या सुमंगला योजना से प्रदेश में 10 लाख से अधिक बालिकाएं आच्छादित हो चुकी हैं। इस योजना में बालिका के जन्म से लेकर उसकी स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 15,000 रुपये का पैकेज दिया जाता है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत करीब 2.25 लाख कन्याओं का विवाह संपन्न कराया गया है, जिनके अभिभावकों की स्थिति विवाह का खर्च उठाने की नहीं है। उन्होंने कहा, मिशन शक्ति का भाव भी बहन बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का है। यह मिशन समाज के हर व्यक्ति को इस अभियान से जोड़ने और उन्हें प्रेरित करने का है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, शारदीय नवरात्रि की आज 9वीं तिथि है। आदिकाल से भारत की सनातन धर्म की परंपरा वर्ष में 2 बार वासंतिक नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के आयोजन को शक्ति की अधिष्ठात्री देवी के पूजन और अनुष्ठान के रूप में आयोजित करती आ रही है। हजारों वर्षों की इस विरासत पर हर भारतीय को गौरव की अनुभूति होती है। वर्ष में 2 बार यह अवसर आता है जब हम अपने समाज को उस सभ्यता, उन संस्कारों और उस संस्कृति के साथ उसका एहसास कराते हैं कि मातृशक्ति का हमारी परंपरा में क्या महत्व है। और आज हम सबका सौभाग्य है कि शारदीय नवरात्रि की 9वीं की तिथि देवी स्वरूपा कुमारी कन्याओं के पूजन का पावन अवसर है। तो मेरा सौभाग्य है कि गोरखपीठ की इस परंपरा में कुमारी कन्याओं के पूजन का यह सौभाग्य आज पुनः मुझे प्राप्त हुआ है। सैकड़ों की संख्या में देवी स्वरूपा और बालिकाएं यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। अभी उनके पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। उन लोगों के लिए 9 दिनों में यहाँ पर शारदीय नवरात्रि का जो विशेष अनुष्ठान चलता है, उस अनुष्ठान के कार्यक्रम के उपरांत आदिशक्ति माँ भगवती दुर्गा के
वो प्रसाद के लिए जो प्रसाद बना हुआ है वो उन्हें इस समय वितरण करवा करके उन सभी देवी स्वरूपा बालिकाओं को वो प्रसाद खिलाया जा रहा है। भारत की सनातन धर्म की परंपरा के अंदर मातृशक्ति के प्रति हर भारतीय के भाव को प्रदर्शित करने का ये सबसे सशक्त माध्यम भी है और मुझे लगता है कि हमें अपने पर्व और त्योहारों के इस महत्व को कि मातृशक्ति किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, कमजोर नहीं है, उनके प्रति यह भाव, यह पवित्रता का भाव हरेक मन में आना चाहिए। अगर हम देवी के स्वरूप को जैसे हम सामान्य रूप से पूजा अर्चना तक रखते हैं, व्यवहारिक रूप में भी लेने लग जाएंगे तो मातृशक्ति के साथ, बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ यदा कदा जो घटनाएं देखने को मिलती हैं उनको नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त होगी। हमें इन संस्कारों के साथ और इस परंपरा के साथ जुड़ना होगा। दूसरा, सत्य की दृष्टात्री देवी की पूजा का महत्व इस बात को प्रदर्शित करता है कि वो आदि शक्ति है। इस चराचर जगत के हर एक शक्ति का आधार है, तो स्वाभाविक रूप से बालिकाओं के प्रति, महिला या बेटियों के प्रति प्रत्येक नागरिक को अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। वे सबला हैं, हर एक क्षेत्र में नेतृत्व दे सकती है, समाज को योग्य मार्गदर्शन कर सकती है, इसलिए बालिकाओं की सुरक्षा के साथ साथ उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनके स्वावलंबन के लिए, उनके सम्मान के लिए अभियान को आगे बढ़ाना होगा। हमें इस बात पर प्रसन्नता की अनुभूति है कि सरकारें इसके बारे में काफी चैतन्य हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से जो अभियान प्रारंभ किया वह बेटी को बचाओ के लिए भी है और बेटी को पढ़ाने के लिए भी है। एक बेटी बचेगी, एक बेटी पढ़ेगी तो वह समाज में सम्मान और समाज में स्वावलंबन के मार्ग का अनुसरण स्वयं करती हुई दिखाई देगी, समाज की चेतन्यता उसे आगे बढ़ाने में मदद करेगी। मातृवंदना का कार्यक्रम या बेटियों की सुरक्षा के लिए चलाए जाने वाले तमाम कार्यक्रम हमें इस दिशा में एक नई दिशा प्रदान करते हैं। प्रदेश सरकार ने भी इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम उठाए हैं, खासतौर पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जिसके माध्यम से बालिका के जन्म से लेकर के स्नातक तक की शिक्षा के लिए फ्री एजुकेशन के साथ ही उन बालिकाओं के लिए 15,000 के पैकेज की व्यवस्था इस योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई है और 10 लाख से अधिक बालिकाएं अब तक इस योजना से आच्छादित हुई हैं। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर सामूहिक विवाह की योजना के माध्यम से भी उन गरीब कन्याओं की शादी के लिए जिनके अभिभावक इस योग्य नहीं है कि वे अपनी बालिकाओं की शादी करवा सकें, इस दिशा में भी एक प्रयास हुआ है जिसमें अब तक लगभग 2.25 लाख बालिकाओं की शादी ब्याह के कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित हुए हैं। मिशन शक्ति का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर इसी अभियान का हिस्सा है। यह मातृशक्ति की सुरक्षा, उनके स्वावलंबन और उनके सम्मान से जुड़ा हुआ एक ऐसा अभियान है जो हर उत्तर प्रदेश वासी को जागरूक करने और इस पवित्र अभियान के साथ जोड़ने के लिए भी प्रेरित करता है। आज महानवमी के आया है पर्व, 9 दिनों तक आदिशक्ति माँ भगवती
दुर्गा की पूजा के उपरांत देवी स्वरूपा उन बालिकाओं के उनके पूजन का उनके अनुष्ठान का और 8 दिनों तक माँ भगवती दुर्गा को जो भी भोग प्रसाद लगा था वही पकवान आज उन बालिकाओं को यहाँ पर प्रसाद के रूप में ग्रहण करवाया जा रहा है। 9 दिनों तक नवरात्रि के इस कार्यक्रम के उपरांत कल विजयादशमी का पर्व है। सत्य न्याय और धर्म के पथ का अनुसरण करते हुए बड़ी से बड़ी ताकतों को कैसे परास्त किया जा सकता है, विजयादशमी का यह पर्व हम सबको सत्य के मार्ग का अनुसरण करने, धर्म के पथ पर सदैव निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान कर रहा है। सत्य और न्याय जहां होगा, धर्म जहां होगा, वहां विजय अवश्य होगी। विजयादशमी का पर्व भी हम सबको इस बारे में एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं शारदीय नवरात्रि की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। शारदीय नवरात्रि के उपरांत कल विजयादशमी का पावन पर्व होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का रावण पर विजय, अधर्म अत्याचार और अन्याय के प्रतीक रावण पर विजय के प्रतीक स्वरूप सभी सनातन धर्मावलंबी आयोजन को हर्षोल्लास के साथ मनाता है और कल विजयादशमी के इस पावन पर्व पर भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विजय के इस पावन पर्व को पूरे भारतवासी उसी श्रद्धा और सम्मान के साथ आयोजित करेंगे। वहीं इस अवसर पर विजयादशमी की भी हृदय से मंगलमय कामनाएं सभी प्रदेशवासियों की प्रति करता हूं। मुझे विश्वास है कि शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी का यह पर्व पूरे प्रदेशवासियों को सत्य न्याय और धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करेगा। धर्म का अवतर जो हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति निरंतर प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है, उस पद का अनुसरण हर प्रदेशवासी करेगा। इस विश्वास के साथ पूरे प्रदेशवासियों के प्रति शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।